Good evening, everyone. A very good evening to all of you. How are you all? Just let me know quickly if I am properly visible and audible to all of you so that we can start our today's session. Good evening, my dear champs. Good evening, everyone. Good evening, my dear. Friends. यस गुड इवनिंग ध्रुविका रूही आंचल रूही संजना अंकी अमन प्रांजल रिचा पलक शिवांश नहीं नहीं सॉफ्टवेयर हैंग नहीं हुआ आज अभी तक तो नहीं हुआ गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग शिवांश मैम लगता है आप आज फाइनली सब अभी तक तो अभी तो चालू हो गया एक बार में एंड होप सो अच्छा चले यस हाय ओमकार हाय विजय हाय दीपिका हाय एवरीवन तो आज हम लोग क्या करने वाले मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्या करेंगे जोहरी विंडो का टॉपिक करेंगे जोहरी विंडो क्या आपने कभी पहले सुना है जिंदगी में जोहरी विंडो जल्दी से बता दो आज तक कभी पहले जिंदगी में जोहरी विंडो सुने हो क्या आज तक कभी पहले जिंदगी में जोरी विंडो सुना है अपने जोरी जोरी वो जोरू नहीं है ना जोरू नहीं है जोरू का गुलाम वाला नहीं है जोरी है जोरी सुना है विजय बोल रहा है यस भाई कहा सुना है तुमने विजय भाई ग्रुप में लिंक आ गई क्या ओ मेरे यारो ग्रुप में लिंक आ गई क्या बिजनेस कम्युनिकेशन के बुक में वाओ विजय तालियां आपके लिए आप कैसे हो मैम मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो नहीं मैम ये कैसी विंडो है ये कुछ नई तरीके की विंडो है अगर मैं विंडो खोलूं तो मेरा ये ठीक आएगा क्या मेरा फेस ठीक आएगा क्या आई गेस ठीक ही आ रहा है यस yes. गुड इवनिंग मैम आप कैसे हो मैं अच्छी हूँ दिता आप कैसे हो नहीं मैम बिजनेस कम्युनिकेशन के बुक में चलो ठीक है तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जल्दी से आ जाओ सब कोई बुक खोल लो जल्दी से बुक खोल लो जल्दी से बुक खोल लो गाइस हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर फोर As well as chapter number eight side by side. तो chapter number four हमने start किया था जिसमें हमने फटफट -फट से हम लोग रिवाइज करेंगे अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर फोर में पढ़ लिया है हाय लेनाली हाय अंजलि बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू शेयर उसके बाद

आपके डेफिनेशन में वन पर्सन टू अनदर आता है अगर आपके डेफिनेशन में वन पर्सन टू अनदर आता है तो वो डेफिनेशन किसने दी है वेरी गुड डेफिनेशन में भी वन पर्सन टू अनदर आ रहे दो लोग तो डेफिनेशन भी दो लोगों ने दी है उसके बाद अगर आपके डेफिनेशन में इमोशन आ रहा है तो वो डेफिनेशन किसने दी है अगर आपके डेफिनेशन में इमोशन आ रहा है तो वो डेफिनेशन किसने दिए इमोशन इमोशन से आपको याद आ जाएगा टॉम इन जेरी तो उससे आपको याद आ जाएगा जॉर्ज आर टेरी जॉर्ज टेरी उसके बाद अगर आपके डेफिनेशन में ऑल आ रहा है तो वो डेफिनेशन एलन ने दी है नहीं आंचल बैकलॉग नहीं है बस रिविजन करा रही हूँ मैं आप लोगों को क्या है ना बार बार रिविजन कराने से भूलते नहीं है आप ऐसा एक बार इसको पढ़ के छोड़ दोगे तो मैं तक भूल जाओगे मे तक याद नहीं आएगा तो उसके लिए अपन जो पढ़े हैं वो अपन को बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा ताकि हम एग्जाम तक वो हमारे दिल दिमाग में बैठा रहे हम उसको भूले नहीं तो दिस इज जस्ट अ रिविजन नॉट अ बैकलॉग तो ये हो गया उसके बाद हमने पढ़ा था एक और डेफिनेशन वेबसाइट डिक्शनरी में भी दी हुई है और वो तो सिर्फ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन थी बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन सिर्फ एक ही बंदे ने ने दी है स्कॉट इसका शॉर्टकट था SBC. उसके बाद हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि मैंने आपको याद कराया था उसके शॉर्टकट था टू डॉग इन टू डॉग इन आप ऐसे अगर याद करने जाओगे तो आप भूल जाओगे मैं आपको बता रही हूँ बट अगर आप मेमोरी टेक्निक से याद करोगे तो आप नहीं भूलोगे यस फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू डॉग इन टू फॉर टू वे प्रोसेस होता है डी फॉर डायनेमिक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन ओ फॉर ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जी फॉर गोल ओरिएंटेड होता है आई फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस होता है और एन फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो अगर आप ये मेमोरी टेक्निक आजमाओगे आप एक भी पॉइंट नहीं बोलोगे ट्रस्ट में बस आपको जानना है कि ये क्या क्या होता है क्या क्या फीचर्स होते हैं और उनका मतलब क्या होता है दैट्स इट पूरा एक एक वर्ड आपको बुक का रटने की जरूरत नहीं है सिर्फ जितना मैंने हाईलाइट किया अगर आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट भी देख लोगे तो इनफ है उसके बाद अपन ने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और उसका शॉर्टकट था आईसी गो एच पी ऑफ कम्युनिकेशन इज गो एच पी मोमेंट गो एच पी याद करो गो एच पी मोमेंट गो एच पी इससे आपको सारे इम्पोर्टेंस याद आ जाएंगे आईसी गो एच पी मोमेंट आई गो एच पी आई फॉर आपका हो जाएगा इंक्रीज इन साइज फॉर आपका हो जाएगा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जी फॉर आपका हो जाएगा ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन एच फॉर आपका हो जाएगा ह्यूमन रिलेशन पी से आपके दो पॉइंट थे पर्सनल एसेट और पब्लिक रिलेशन और मूवमेंट से आपका हो जाएगा ट्रेड मूवमेंट देखो कितनी आसानी से ऐसे बताऊं सच में मेरे को याद नहीं होता एक एक फीचर्स और एक एक इंपॉर्टेंस बट यही तो मेमोरी टेक्निक का मजा है ना मेमोरी टेक्निक की वजह यूज करके आप कुछ भी नहीं भूलेंगे सब कुछ याद रहेगा देखो हमने एक एक लेक्चर में पढ़ा था सब याद है अभी तक डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन भी याद है फीचर्स भी याद है उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन भी याद है जल्दी से बताओ क्लास में ही याद हो गया कि नहीं अच्छे से उसके बाद हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा था मेरी और विजय देवाकोंडा की स्टोरी के साथ जिसमें मुझे पहले आइडिया आया था प्रपोज करने का आज प्रपोज डे है क्या आज प्रपोज डे क्या जिसमें मुझे आइडिया आया था प्रपोज करने का डेवलप एन आइडिया उसके बाद एन कोड फिर उसके बाद ट्रांसमिट रिसीव डी कोड और फिर फीडबैक और उसके बाद जो कम्युनिकेशन में बाधाएं आती है प्रॉब्लम उसे नॉइज़ बोलते हैं नॉइज का नाम नहीं लेते पता चला अपनी कम्युनिकेशन में नॉइज आ गई वरना उस दिन जैसे नहीं आ गई थी ठीक <laughs> है तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आज चॉकलेट डे है विजय बता रहा है अच्छा आज चॉकलेट डे है तो प्रपोज डे कब था मैं विजय देवकांडो को प्रपोज करती यार ऐसा ऐसा थोड़ी तो बताना चाहिए ना आप लोगों को मैम आज प्रपोज डे है <laughs> 7C, येस, येस, अच्छा कल था ओके ठीक है एक भी प्रपोजल नहीं मिला एक भी नहीं मिला Yes. उसके बाद हमारा ये हो गया उसके बाद हमने सेवन सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा था जो मैंने आपको सेवन सी याद करके बताया था तीन पॉइंट को एक साथ लिंक कर दिया था फिर दो पॉइंट को फिर दो पॉइंट को एक साथ तो जो तीन पॉइंट थे सबसे पहले छोटा बोलना है कंसाइज छोटा बोले मतलब आधा अधूरा बोले तो चलेगा क्या तो नहीं, नहीं कंप्लीट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए फिर उसके बाद सही होना चाहिए यानी करेक्ट और कंक्रीट और सामने वाले की फीलिंग भी कंसिडर करनी है यानी कर्टियस और कंसिडरेशन uh, होना चाहिए तो ये था आपका सेवन सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ गाइडलाइंस ये हो गया हमारा सेवन सी सेवन सी के बाद हमने कुछ गाइडलाइंस पढ़े थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि राइट मीन्स एंड मोड चूज़ करना चाहिए डू नॉट जज जज नहीं करना चाहिए करेक्ट कंप्लीट होना चाहिए इंफॉमेसन फीडबैक लेना चाहिए सामने वाले के बारे में सोचिए यू अप्रोच होना चाहिए आपका वर्बल और नॉन वर्बल मैच होना चाहिए और रिपीट तभी करें जब नेसेसरी हो और जज ना करें और रिलाई ऑन फैक्ट्स और ओन योर मैसेज यानी अपने मैसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो इतना हमने पढ़ा था अभी तक की सारी क्लासेस में जो हमने फटफट -फट से रिवाइज कर लिया जल्दी से बोल दो पूरा समझ करके याद हुआ कि नहीं जल्दी से बोलो पूरा अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझ करके याद हुआ कि नहीं समझ करके याद हुआ कि नहीं अंजलि बोल रही है वो तो आपकी स्माइल बता रही है कहाँ है यार मेरी स्माइल मेरा तो चेहरा ही हंसमो कह देखो ना मैं ऐसे मेरा ऐसा हंसमुख वाला चेहरा है यस मैम यस मैम यस मैम सेवन सी इज क्लियरली तो अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है पूरा आपको याद होना चाहिए समझने के बाद ये नहीं कि बिना समझे रट्टा मार लिया नहीं पहले समझना है फिर समझ करके याद करना है तो हमने डेफिनेशन पढ़ा बहुत सारी फिर हमने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा फिर इंपॉर्टेंस पढ़ा फिर प्रोसेस पढ़ा फिर प्रोसेस के बाद सेवन सी प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फिर गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन छह टॉपिक अभी तक हमारे हो चुके हैं जो मैंने पूरे के पूरे रिवाइज करा दिए तो आपको जो मैंने पूरे के पूरे रिवाइज करा दिए तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे आज की क्लास में जौहरी विंडो इससे एक दो एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ ही सकता है एक दो एमसीक्यू इस, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आ ही सकता है जोहरी विंडो जौहरी विंडो जोहरी विंडो मैम मेरे में ही लैग हुआ या सबके में लैग हो रहा है लैग हो रहा है लैगिंग लैगिंग लैग लैग। वीडियो लैगिंग लैग हो रही है मैम प्लीज एक बार शॉर्ट में रिवाइज कराओ ना मैम अभी तो कराया अभी देर से हम लोग क्या कर रहे थे रिवाइज ही तो कर रहे थे भाऊ ओ भाऊ सो रहे थे क्या पूरा अभी तक जितना पढ़ा है टोटल हमने रिवाइज कर लिया भाऊ अभी ठीक है क्या अभी ठीक है अब ठीक है? है नो नहीं हो रहा ग्रेट चलो ठीक है अब ठीक हो गया है अभी लैग नहीं हो रहा है यस मैम लिंक नहीं आती है ग्रुप में आज नहीं है क्या लिंक आज नहीं है क्या लिंक ग्रुप में अब ठीक है ओके ग्रेट 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 ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. यस चलो ठीक है चलो ठीक है मैम ऐड चलो ठीक है मैं ऐड हो जाती हूँ ग्रुप में फिर मैं ही सेंड कर दूंगी मैं ऐड हो जाती हूँ ग्रुप में फिर मैं ही सेंड कर दूंगी लिंक फिर खुद भेज दोगे आप लिंक हाँ ठीक है मैं ऐड हो जाती हूँ फिर मैं खुद ही भेज दूँगी लिंक ग्रुप में ठीक है चलो तो अब हम लोग स्टार्ट uh, करते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जल्दी से बताओ हाउस द जोश जोहरी विंडो नया टॉपिक है नया टॉपिक है आज का न्यू टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार मार्क कर लेना स्टार मार्क कर लेना जोहरी विंडो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी से स्टार मार्क कर लो और जल्दी से बता दो हाउस द जोश जोश हाया है कि नहीं स्टार्ट कर सकते कि नहीं हमारा नया टॉपिक जोहरी विंडो जोश है कि नहीं जोहरी विंडो जोहरी विंडो जोहरी विंडो अब विंडो क्या होता है जैसे आप कभी घर पे विंडो बनाए हो जैसे मैं आपको अगर एक वो बनाती के देती हूँ क्या बना के देती हूँ हाय कभी आपने ऐसे बचपन में घर बनाया है ऐसे हंसना मत ना मेरी ड्राइंग के ऊपर आर्टिस्ट हूं मैं <laughs> <laughs> कैसा कैसा बना है घर जल्दी से बताओ ओपी मैम <laughs> ये किसका घर है हमारा घर है ये हमारा घर है कियारा अडवाणी एंड शिवांश का घर है होम स्वीट होम ठीक है ये बचपन वाली ड्राइंग लग रही है ये घर कैसा है जल्दी बताओ मैम मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बनाती हूँ घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस उसका घर ठीक है वही शिवांश तुम्हारा और उसका घर एक ही है घर से निकल के कुछ दूर चलना नहीं पड़ेगा एक ही घर है ठीक है उस मेरे मेरे उसको दुख है अभी ठीक है चलो तो ये आपने बचपन में घर बनाया होगा मेरे देखो ये मैं आपको अपनी आर्टिस्ट का प्रदर्शन नहीं करना चाहती बहुत टैलेंट है मेरे में लेकिन कभी घमंड नहीं किया कभी गमन नहीं किया मैं आपको अपना आर्ट का प्रदर्शन नहीं करना चाह रही हूँ मैं आपको ये खिड़की दिखाना चाह रही क्या आप ये खिड़की देख रहे हो ऐसे खिड़की होती है ना ऐसे चार चार विंडो होते हैं विंडो में ऐसे 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 चार पोर्शन होते हैं ऐसे बनाते हो ना घर में खिड़की घर की खिड़कियाँ ऐसी होती है ना बस ये दिखाना चाह रही थी मैं आपको बस अब वापिस आ जाओ बस अब वापिस आ जाइए बुक में तो विंडो जो है ना विंडो में चार हिस्से होते हैं चार हिस्से होते हैं एक दो तीन चार और ये एक हम लोग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी चार हिस्से हैं चार तरह का कंसेप्ट है इसीलिए इसे ना विंडो बोला जाता है विंडो विंडो क्यों क्योंकि जैसे खिड़की में चार हिस्से होते हैं ना वैसे ही अः ये एक कंसेप्ट है कम्युनिकेशन का उसके भी चार टाइप्स होते हैं फोर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो इसीलिए उसको अपन ऐसे चार क्वाड्रेंट में बना के बताते हैं चार क्वाड्रेंट में दो कॉलम होते हैं दो रोज होते हैं तो हम लोग एक इसको टेबल बना के बताते हैं और इसीलिए इसे हम विंडो बोलते हैं विंडो तो इसका नाम है जॉरी विंडो ध्यान से समझना नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा और बहुत प्यारा प्यारा एग्जाम्पल लूंगी मैं ट्रस्ट में ये कंसेप्ट आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगी चलो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसका एग्जाम्पल ले एग्जाम्पल लेते हैं शिवांश तू रेंटल पति है और दूसरा पति परमानेंट है ऐसा <laughs> मत बोलो भाई बेचारा शिवांश को मैं बोल सकती हूँ भाई आप लोग नहीं बोल सकते ठीक <laughs> है चलो अब यहाँ पर देखो जब भी हम दो लोग अब देखो अब ध्यान से सुनना ना एक नया कंसेप्ट बता रही हूँ आज तक सुना नहीं होगा आपने जब भी हम दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है मैं आपको कोई बात बता रही हूँ जो मुझे पता है आपको नहीं पता है या कई बार हम बातें कर रहे हैं और हम कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो दोनों को पता है आपको भी पता है मुझे भी पता है तो वो क्या है नोन टू सेल्फ नोन टू अदर्स नोन मतलब पता है नोन टू सेल्फ मतलब मान के चलो मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं मेरे प्यारे बच्चों से बात कर रही हूँ मैं शिवान से बात कर रही हूँ उदित से बात कर रही हूँ रूही से बात कर रही हूँ अंजलि से बात कर रही हूँ वंशिका अमन रूही अक्षरा दीपिका अंजलि सबसे बात कर रही हूँ तो मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ तो अब देखो जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो अगर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो मैं मुझे भी पता है आपको भी पता है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी के बारे में और या फिर कियारा और शिवांश की शादी के बारे में <laughs> तो मुझे भी पता है आपको भी पता है कि भाई इनकी शादी हो गई अब मैं अगर आप बोल रही हूं यार किरा और शिवान्श की शादी हो गई तो वो बात तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है ठीक है तो मान के चलो अगर मैं आपको बोल रही हूँ क्यारा और सिद्धार्थ मनोहोत्रा की शादी हो गई तो वो बात तो मुझे भी पता है आपको भी पता है दोनों को पता है ना तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा ओपन क्वाड्रेंट या एरेना क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा ओपन क्वाड्रेंट या कैरेना uh, एरेना क्वाड्रेंट कैरेना नहीं एरेना एरेना क्वाड्रेंट सुकून ठीक है तो अब ये क्या हो गया बात समझो जब दो लोग बात कर रहे हैं एक बंदा बोल रहा है दूसरा बंदा सुन रहा है कोई ऐसी बात जो दोनों को पता है जैसे मैं आपको बोल रही हूँ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है भैया वो तो आपको भी पता है आप कोई दूसरे देश से थोड़ी आए आप एलियन थोड़ी हो अब देश के प्रधानमंत्री कौन है वो तो आपको भी पता है मैं अगर बोल रही हूं कि नरेंद्र मोदी अ प्राइम मिनिस्टर तो वो बात मैं बोल रही हूं मुझे भी पता है आपको भी पता है तो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल बी नोन एज ओपन कम्युनिकेशन और एरेना क्वाड्रेंट और एरेना कम्युनिकेशन बात को समझो हम कम्युनिकेशन uh, uh, को चार टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं चार टाइप्स में मैं बोल रही हूँ मुझे पता है आपको भी पता है दैट विल कम अंडर ओपन और एरिना क्वाड्रेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं व्हाट इज ओपन एंड एरिना क्वाड्रेंट जल्दी से बताओ एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं व्हाट इज ओपन और एरिना क्वाड्रेंट क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर यस अब आगे बढ़ते हैं दूसरा हो गया नोन टू सेल्फ अननोन टू अदर्स मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ओ ओ ओ मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना मैं कुछ बोल रही हूँ जो आपके लिए नया है आपको नहीं पता है मुझे पता है, मेरी लव स्टोरी फॉर एग्जाम्पल इशिका मैम्स लव स्टोरी फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है नहीं ये सब काल्पनिक बातें हैं रूखी सूकी जिंदगी है बट फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ लव स्टोरी जस्ट फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब अगर मैं आपको अपनी लव स्टोरी क्या आपको मेरी लव स्टोरी पता है क्या आपको मेरी लव स्टोरी पता है नहीं पता है नहीं पता है नहीं पता है, नहीं पता है जी नहीं पता है लेकिन मैं बता रही हूं मान के चलो आपको वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं अपनी लव स्टोरी सुना रही हूँ तो मैम आपकी स्माइल बता देती है अरे वही नहीं है वही नहीं है अब देखो मान के चलो मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ जो मुझे पता है हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हो लेकिन मैं आपको अपनी लव स्टोरी बता रही हूँ जो मुझे पता है आपको नहीं पता आपको फर्स्ट टाइम पता चलेगी मेरे बताने के बाद आपको मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मेरी लव स्टोरी जानते हो क्या मुझे पता है आपको नहीं पता दैट विल कम अंडर हिडन कॉर्डन जैसे हिडन लव स्टोरी इशिका मैम्स हिडन लव स्टोरी छुपी छुपी छुपाएन बातें हैं सबको नहीं पता है सबको नहीं पता है तो ये हिडन है ना ये हिडन है ना बात को समझो मेरे को पता है लेकिन बाकी सबको नहीं पता है नोन टू सेल्फ अन नोन टू अदर्स यहाँ अन लगा लेना अन लगा लेना नोन टू सेल्फ अन नोन टू अदर्स तो ये क्या हो जाएगा ये हिडन क्वाड्रेंट में आ जाएगा कि अरे सबसे हिडन है सबसे छुपा हुआ है मेरा लव स्टोरी हिडन है हिडन है सबसे छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा हिडन क्वाड्रेंट या इसे हम फिसेड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं फिसेड क्वाड्रेंट हिडन क्वाड्रेंट या फिसेड क्वाड्रेंट जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं मैम आपकी लव स्टोरी होगी तभी तो पता चलेगा वही तो होगी तब तो पता चलेगा मैम क्या क्या भी रहे हो आप मैंने तो सुना अगर सक्सेस हो जाए तो लाइन लग जाती है शादी के लिए लाइन लग रखी है भाई मैं रिजेक्ट कर रही हूँ मुझे करना नहीं है शादी शादी के लिए लाइन लग रखी है नोन टू मी नोन टू अदर्स अन नोन टू अदर्स फेसेट हिडन यस वेरी गुड रोही क्लियर आ गया समझ में ऐसी बात जो खुद को पता हो और सबको नहीं पता हो वो होता है फेसेट क्वाड्रेंट बिल्कुल सही शिवांश जी हमें अब पता चल गई मैडम हाँ 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 ठीक है तो चलो हिडन क्वाड्रेंट समझ में आया जो खुद को पता हो बाकी सबको नहीं पता हो जैसे अगर मैं आपको पूछ रही हूँ बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है मेरा फेवरेट कलर क्या है आपको पता है क्या आपको नहीं पता है तो वो हिडन क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब हंसना मतलब ठीक है मैं अपने पुराने सी एस ए टी के बैच में बताई मेरा फेवरेट कलर येलो है तो हंसने लग गए थे मैडम येलो मैंने फिर मैं उनको याद दिलाई देखो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था डू नॉट जज ठीक है डू नॉट जच रेड नहीं भाई रेड नहीं है येलो है मेरा फेवरेट कलर येलो है और व्हाइट और ब्लैक तो सभी को पसंद होता है व्हाइट और ब्लैक तो यूनिवर्सल फेवरेट है व्हाइट और ब्लैक के अलावा मैम नहीं हंस रहे हैं हाँ मत हंसना ऐसे भाई मुझे अच्छा नहीं लगेगा इतना जोर जोर से पार्ट के हंसने वाला इमोजी भेज रहे हो कि आंख से आंसू निकल रहे हैं आपके हंस हंस के और बोल रहे हो मैम नहीं हंस रहे हैं ये कैसी दोस्ती हुई भाई दोस्ती खत्म दोस्ती ख़त्म कट्टी दोस्ती ख़त्म चलो अब यहाँ पर मुझे एक बात बता दो आपको हिडन क्वाड्रेंट समझ में आया कि नहीं ऐसी बातें जो मुझे मैं बता रही हूँ जो बता रहा है उसको पता है बट बाकियों को नहीं पता है वो क्या हिडन क्वाड्रेंट अब मैंने आपसे पूछा मेरा मेरा फेवरेट कलर क्या है आपको पता है नहीं

समझ में आई क्या ओ मेरे रसगुल्लो समझ में आई क्या मैम आपने मेकअप नहीं किया सी एस जर्नी वीडियो बनाऊंगी यार इतना सारा क्लासेस चल रहा है ना वीडियो बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है बच्चों का वीडियो बनाने के लिए जल्दी बनाऊंगी जल्दी बनाऊंगी एरेना ट्रेनिंग इन बी जी एम आई पबजी में भी कुछ एरेना होता है ना पबजी में एरेना मैम नो प्रोमिस नो कट्टी <laughs> कोई नहीं हंसेगा आंचल इतना मारूंगी ना मैं तुम्हारे घर में घुस के तुमको ठीक है <laughs> आ गया मैम समझ में चलो ठीक है अब थर्ड थर्ड तरफ नॉट नोन टू सेल्फ नोन टू अदर्स अब इसके लिए मुझे दो लोग चाहिए एग्जाम्पल लेने के लिए बहुत गंदा एग्जाम्पल है अब बताओ मैं किसका नाम लू जल्दी से बताओ कोई वॉलंटियर है मैम मेरा एग्जाम्पल ले लो नॉट नोन टू सेल्फ नोन टू अदर्स आपको अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम बताना पड़ेगा इस एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल के लिए आपको अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम बताना पड़ेगा और इसमें मैं किसी बच्चे का एग्जाम्पल लूंगी बताओ किसका एग्जाम्पल लू रोहन बोल रहा है मैम मेरा एग्जाम्पल ले लो तो रोहन अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ रोहन अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ किसी का भी ले लो मैम मेरा भी ले लो ठीक है तो बताओ भाई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम बताओ तभी तो आपका एग्जाम्पल लूंगी ना मैं रूप रूपसा रूपसा कैसा नाम होता है भाई रूपसा रूप चलो रूप ले लेते हैं अब रोहन का एग्जाम्पल ले लेते हैं रोहन भाई वॉलंटियर के भाई बुरा मत मानना तूने तू खुद बोला है मेरा एग्जाम्पल ले लो मैडम चल ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट हम समझने जा रहे हैं नॉट नोन टू सेल्फ नोन नोन टू अदर्स हुआ क्या एक एग्जाम्पल एक लेते हैं दो थे हमारे प्यार मोहब्बत में डूबे हुए इंसान और वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो हुआ क्या आज ना चॉकलेट डे है तो चॉकलेट डे मनाने के लिए चॉकलेट खाने गए ये हैं हमारे रोहन जी ये कौन है रोहन और ये है उनकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है <laughs> जिसका नाम है रूपसा ठीक है शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे रूप <laughs> यस रपांजल की बेटी क्या ही है भाई ओपी भाभी जी लग रही है <laughs> इसका ना स्क्रीन शॉट लेके इंस्टाग्राम में डाल देना मैं बता दे रही हूँ वरना आपकी शादी नहीं होगी ये ठीक है ये हो गया एक है हमारे रोहन जी और दूसरी है हमारी रूपसा जी अब हुआ क्या ये दोनों चॉकलेट मनाने गए हमारे सी सी डी में ये दोनों गए सी सी डी में चॉकलेट शेक पीने चॉकलेट शेक अब हुआ क्या रोहन की गर्लफ्रेंड चॉकलेट शेक पी रही थी <laughs> रोहन की गर्लफ्रेंड चॉकलेट शेक पी रही थी और पीते पीते हुआ क्या उसका चॉकलेट शेक ना यहाँ उसके फेस पे लग गया चॉकलेट शेक उसके फेस पे लग गया जो कि उसे पता नहीं चला वो बात कर रही थी रोहन से और चॉकलेट शेक पीते पीते चॉकलेट खाते खाते वो जो डेरी मिल्क आता है ना कैडबेरी वाला हाँ वही 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 तो रूपा रूपा सुंदर लग रही है चॉकलेट शेक पीते पीते रूपा के मुंह में चॉकलेट लग गया अब शिवांश ने देख लिया कि उसके फेस पे चॉकलेट लगा है अब शिवांश बता रहा है ऐसे 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 और रूपा कुछ और समझ रही है आप बात को समझो कि हुआ क्या रूपा के फेस पे चॉकलेट लग गया उसे पता है क्या उसे नहीं पता है रूपा बात किए जा रही है चॉकलेट खाए जा रही है लेकिन उसे नहीं पता है कि उसके फेस पे चॉकलेट लग गया लेकिन शिवान सामने से देख रहा है उसे पता चल गया कि इसके फेस पे रूपा के फेस पे चॉकलेट लगा है अब ये देखो ये बात ऐसी है कि रूपा को खुद को नहीं पता है कि उसके फेस पे चॉकलेट लग गया है बट बाकी सबको पता है कि उसके फेस पे चॉकलेट लग गया है जो भी उसको देख रहे हैं ठीक है तो, तो ये कौन से स्पॉट में आ जाएगा ये हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट में आ जाएगा कौन से स्पॉट में आ जाएगा ब्लाइंड स्पॉट और ब्लाइंड क्वाड्रेंट विच इज़ नॉट नोन टू तो सेल्फ रूपा को खुद को नहीं पता है कि उसके फेस पे चॉकलेट लग गया है बट जो उसे देख रहा है दूसरों को पता है कि उसके फेस पे चॉकलेट लग गया है अब रोहन बताने का ट्राई कर रहा है कि तेरे यहाँ यहाँ पर क्या चॉकलेट लग गया है लेकिन वो तो कुछ और ही समझ रही है वो नहीं समझ पा रही है कि रोहन क्या समझ पा रहा है उसको रोहन के इरादे कुछ ठीक नहीं, नहीं लग रहे हैं कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं वो रूपा को रोहन के इरादे बात समझ रहे हो आप लोग बात समझे कि नहीं समझे समझे कि नहीं समझे जल्दी से बता दो ब्लाइंड स्पॉट समझ में आया कि नहीं ब्लाइंड कि, कि आपको खुद ही को नहीं पता है आप क्या बोल रहे हो बट दूसरों को पता है आप क्या बोल रहे हो मैम शिवांश नहीं रोहन हाँ भाई रोहन बोला भाई प्यारी नहीं समझी अनु रूपा नोन टू अदर्स अब देख भाई रोहन रोहन भाई तूने खुद बोला था कि मैम मेरा एग्जाम्पल ले लो ठीक है मैम टीचर्स के बात का हम बुरा नहीं मानते वेरी गुड मैम इसकी सजा ही लग गई वो हो, हो जाए क्लास नॉट नोन टू सेल्फ टू अदर क्या आपको ब्लाइंड स्पॉट समझ में आया जल्दी से बताओ क्या आपको ब्लाइंड स्पॉट समझ में आया जो आपको खुद नहीं पता है बट दूसरों को पता है जो आपको खुद नहीं पता है बट दूसरों को पता है जैसे मान के चलो आपको ना किसी ने कुछ सीक्रेट चीट दे दी स्पीच बोलने के लिए सबने मिलके आपको सीक्रेट चिट दे दिया अब उस चिट में क्या लिखा है वो आपको नहीं पता है, बाकी सबको पता है तो वो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा ब्लाइंड यानी बाकी सबको पता है मुझे नहीं पता जो बोल रहा है उसको नहीं पता है नॉट नोन टू सेल्फ नोन टू अदर्स इसमें आप एग्जांपल लिख लो एग्जांपल लिख लो रोहन एंड रूपा स्टोरी रोहन रूपा एंड चॉकलेट रोहन रूपा एंड चॉकलेट स्टोरी नहीं भूलोगे सच में लिख लो लिख लो लिख लो रोहन रूपा चॉकलेट स्टोरी आपको याद आ जाएगा कि रूपा को नहीं पता था उसके में चॉकलेट लगा है बट बाकी सबको पता था तो ये हो जाएगा अब रोहन बेचारा ट्राई कर रहा है उसको बताए बताए कि भाई चॉकलेट लग गया है निकाल ले से ओ, प्यारी समझ ही नहीं रही है प्यारी समझ ही नहीं रही है क्या कर सकते हैं चलो तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट समझ में आया लिख लिया मैडम हाँ लिख लो रोहन का नाम लिख लो और इसका स्क्रीन ले लेना सीसीडी इसका स्क्रीन ले लेना जल्दी से और टैग कर देना सबको इंस्टाग्राम में रोहन और रूपा दोनों को मैम हम शरीफ है उसे भी पता, <laughs> पता रूपा को भी पता है रोहन शरीफ है मैम आपकी साउंड बहुत अच्छी है. है ऐसे मजाक नहीं उड़ाते अच्छी तरह से समझ आ गया वेरी गुड वेरी गुड बहुत भोली होगी बेचारी रूपा <laughs> ठीक है चलो तो ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट लास्ट स्पॉट हमारा बचा है जोहरी विंडो का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है जोहरिंग विंडो का लास्ट हमारा क्वाड्रेंट है जोहरी विंडो का विच इज अनोन क्वाड्रेंट अनोन क्वाड्रेंट क्या होता है अनोन मतलब अनोन टू सेल्फ एंड अनोन टू अदर्स अनोन टू सेल्फ एंड अनोन टू अदर्स इसका मतलब होता है जो आप बोल रहे हो आपको खुद भी नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता है आपको खुद भी नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता है राहुल राहुल गांधी गांधी दे दे रहा है। राहुल गांधी दे रहा है। है कि दोस्तों मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा अब राहुल गांधी ऐसा बोल रहा है आप क्या बोलोगे राहुल गांधी को आप जो बोल रहे हैं वो आपके कानों में जा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी कुछ भी बोल दे रहे हैं कुछ भी अब बात समझो यार पी के टून हो के टल्ली होके कुछ भी बोल रहा है कि ऐसी मशीन बनाऊंगा एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा तो हम बोलेंगे भाई तू सोच रहा है क्या बोल रहा है भाई तेरे दिमाग में जा रहा है भाई तेरे कानों में जा रहा है तू क्या बोल रहा है कहीं तेरे को पता है ना तू क्या बोल रहा है तो कुछ बातें ऐसी अब राहुल गांधी बोल तो रहा है मुझे तो लग रहा है कि वो टल्ली होके बोल रहा है उसको खुद भी नहीं पता वो बोल क्या रहा है उसको खुद भी नहीं पता तो अब आपको भी नहीं समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है उसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है तो ये ना तुम्हारा अनन नोन को में आ जाएगा अनन यानी कि नॉट नोन टू सेल्फ नॉट नोन टू अदर्स आपको खुद भी नहीं पता आप क्या बोल रहे हो सामने वालों को भी नहीं पता आप क्या बोल रहे हो नॉट नोन टू सेल्फ नॉट वंट टू अदर्स ये आपका आ जाएगा अननोन क्वाड्रेंट में जल्दी से बताओ चारों क्वाड्रेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर रैप्टिक तरीके से समझ में आया कि नहीं जल्दी से बता दो तू नहीं होती तुम नहीं होती मैम उनको आइसक्रीम से नशा होता <laughs> बहुत कुछ बोलेंगे पर गाइडलाइंस <laughs> सामने आ जाती हैं जैसे कि 2023 बजट में हमें भी नहीं पता और दूसरा <laughs> बट निर्मला सीतारमण को पता है हां लाइव एग्जाम्पल आपकी शादी किससे होगी हाँ वेरी गुड दीपा दीपिका मेरी शादी किससे होगी <laughs> ओके ठीक <laughs> है एक बार कोई क्रीपै पूरी विंडो पूरी विंडो हाँ एक बार पूरा क्विक रिकैप कर लेते हैं पूरी विंडो का क्रिस्टल क्लियर मैम एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन का क्यों टेंशन लेते हो भाई इसको समझ जाओ ना मैं बता रही हूँ क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा इसको समझ जाओ चारों विंडो को क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा ये जो हो विंडो अच्छे से क्लियर हो गया ये हुई ना शेरों वाली बात मेरे शेरों ओ मेरे शेरों वो मैम को पता है <laughs> मैम सोच में पड़ गई किससे होगी वो मैम को पता है कांटेक्ट टू एस्ट्रोलॉजर नहीं भैया मैं खुद ढूंढूंगी वाई कांटेक्ट एस्ट्रोलॉजर सी सी क्रिस्टल क्लियर वो आपको मालूम है पर हमको नहीं मालूम मैम तब अब ना सब सब के सब स्मार्ट बन गए ना सब एस्ट्रोलॉजर बन गए यहाँ पर सारे के सारे सारे के सारे एक्स्ट्रा बन गए अंजलि अंकित प्रिया ओमकार मैम आप बहुत प्यारी हो आप भी प्यारी हो प्रिया आपका तो नाम ही प्रिया प्यारी प्रिया प्यारी प्यारी प्रिया ठीक है एंजल प्रिया मत बोलना बस ठीक है अब आगे बढ़ते हैं एक बार मैं कोई क्री करा देती हूँ आपको चारों के एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना एक बार मैं आपको कोई क्री करा देती हूँ ओपन क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा लेट से आई एम सेइंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कौन है नरेंद्र मोदी आपको भी पता है मुझे भी पता है हिडन का एग्जाम्पल अनोन का एग्जाम्पल अच्छा अनोन का एक और एग्जाम्पल है अनोन का एग्जाम्पल और, और है नॉट नोन टू सेल्फ नोन टू नॉट नोन टू अदर्स ये अनोन है नॉट नोन टू सेल्फ नॉट नोन टू अदर्स अनोन कॉर्डेंट का एक और एग्जाम्पल है आपको याद है जब आप किसी को uh, अपना सपना सुनाते हो बहुत बार हमें अपने सपने याद होते हैं बट बहुत बार ना हमें पूरा सपना याद नहीं होता है हमें धुंधला धुंधला याद आता है धुंधला धुंधला याद आता है पूरा सपना याद नहीं होता है कई बार ऐसा होता है ना कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अपना सपना पूरा याद नहीं आता है थोड़ा 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 याद आता है आप याद करने की कोशिश कर रहे होते हो यार मैंने सपने में क्या देखा हाँ हाँ ऐसा ऐसा कुछ सीन था बट अच्छे से क्लियरली याद नहीं आ रहा है मैंने अपने सपने में क्या देखा हुआ है बहुत बार ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप अपना सपना याद करने की कोशिश कर रहे हो धुंधला धुंधला याद आ रहा है आपको पूरा अच्छी तरीके से याद नहीं आ रहा है कि क्या आपने सपना देखा हुआ है ऐसा होता है आपके साथ याद नहीं होता हाँ यस यस ऐसा होता है ना यस ऐसा होता है अब देखो आप मान के चलो मैं ना किसी को अपना सपना बता रही हूं लेकिन ना मुझे बस सपने की स्टार्टिंग याद है उसके बाद क्या हुआ सपने में मुझे याद ही नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ यार मैंने क्या देखा सपने में मैंने क्या देखा सपने में अब हुआ क्या यहां मैं सामने वाले से कम्युनिकेट कर रही हूँ मान के चलो मैं रूही को अपना सपना बता रही हूँ मैं रूही को रूही को बता रही हूँ रूही पता है आज मैंने सपने में क्या देखा तो मैं रूही को अपना सपना बता रही हूँ यार मैं ना विजय देवकोंडा से मिली थी फिर ना हम डेट पे गए थे फिर कॉफी ऑर्डर किए फिर पी पाए कि नहीं पता नहीं कुछ नहीं आ रहा है उसके बाद तो मान के चलो मैं रूही को अपना सपना बता रही हूँ अब हुआ क्या मेरे को बस बीच बीच का धुंधला धुंधला याद है पूरा सपना ना मुझे याद है और रूही को तो कैसे ही पता होगा क्योंकि वो मेरा सपना है हाँ <laughs> तो आई एम वेरी बैड इन लाफिंग सो रूही को तो कैसे ही पता होगा क्योंकि वो तो मेरा सपना है ना वो मेरे सपने में घुस के थोड़ी उसको पता होगा कि हाँ मैम आपने सपने में ये देखा था और मेरा सपना मुझे भी याद नहीं आ रहा बट मैं अपना सपना बता रही हूँ रूही को तो बात समझो यहाँ मेरे और रूही के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है अब इस कम्युनिकेशन में मैं जो बता रही हूँ वो मुझे भी अच्छे से नहीं पता है और रूही को तो पता ही नहीं है तो ये एग्जाम्पल हो गया नॉट नोन टू से हाँ सपना में लड़की की बात नहीं कर रही हूँ ना पता चला सपना लड़की को बोलने लगा नहीं ये नींद वाला सपना है समझ में आया क्या जल्दी से बता दो आया क्या यस ऋतिक रोशन और मैं बाइक राइडिंग कर रहे थे oh तो सपने में ही आते हैं मुझे तो सपने ही नहीं आते यार कितनी पीसफुल जिंदगी है तुम्हारी सपने नहीं आते तो बहुत अच्छी बात है मुझे इतने ज्यादा सपने आते हैं कि मैं अभी अभी सो जाऊं अगर ना तो मुझे अभी सपना आ जाएगा सपना मुझे लगता है आंचल को ना कोई लड़की मिल गई है सपना नाम की इसीलिए इतना बड़ा लिखा है मैम मेरे साथ तो मोस्टली होता है यस 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 शादी कब कर रही हो मैम आकांक्षा तुम्हारे नजर में कोई लड़का है क्या तुम्हें तुम्हें क्यों मेरी शादी की पड़ी है मत कराओ ना मेरी शादी मैं सुखी हूँ मैं सुखी जीवन जी रही हूँ सुखी जीवन व्यतीत कर रही हूँ सीसी मैम जो रही विंडो बिल्कुल शिवानश को पूरा समझ में आ गया चलो अब आगे बढ़ते हैं एक बार मैं आपको फिर से पूरा समअप कर देती हूँ चारों को ऑर्डेंट रिवाइज करवा देती हूँ चारों के एग्जाम्पल लिख लो ओपन का मैंने प्राइम मिनिस्टर वाला एग्जाम्पल दिया था हिडन का मैंने ईशिका मैम की लव स्टोरी वाला एग्जाम्पल दिया था और ब्लाइंड स्पॉट का मैंने वो रोहन और उसकी रूपा का आइसक्रीम और चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दिया था उसके फेस पे चॉकलेट लग गया था और अननोन का मैंने ड्रीम और राहुल गांधी वाला एग्जाम्पल दिया दो ड्रीम और राहुल गांधी अब Up, 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 up. मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ जोहरी विंडो इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ लो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए फिर भी अगर नहीं समझ में आयो तो आप मेरे से बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हो कि मैम मेरे को ये नहीं समझ में आया फिर से समझा दो बट अकॉर्डिंग टू मी आपको समझ में आ जाना चाहिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ जोहरी विंडो क्या बोलता है कि जब भी दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कई बातें खुद को पता होती है दूसरों को नहीं पता होती है खुद को नहीं पता होती है दूसरों को पता होती है या दोनों को पता होती है या दोनों को नहीं पता होती है तो इसको ना अपन ने चार टाइप्स में डिवाइड कर दिया पहला जो सबको पता है जैसे अगर मैं आपको बता रही हूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो सबको पता है तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगी आपकी ओपन और एरेना कम्युनिकेशन या इसे हम ओपन या एरेना क्वाड्रेंट भी बोलते हैं उसके बाद मैं आपको कुछ बता रही हूँ जो सिर्फ मुझे पता है आपको नहीं पता है मेरी लव स्टोरी सिर्फ मुझे पता है आपको नहीं पता है तो वो हो जाएगी हिडन क्वाड्रेंट एग्जाम्पल याद रखना ईशिका मैम की हिडन लव स्टोरी ईशिका मैम की हिडन लव स्टोरी किसी को बताना मत हाँ कि ईशिका मैम अपनी लव स्टोरी बता रही थी क्लास में ऐसा ऐसा बोलना मत ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मेरे बच्चों के लिए ताकि आपको समझ में आए ठीक है हिडन क्वाड्रेंट या इसे हम फेसैड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं हिडन या फेसेड क्वाड्रेंट उसके बाद थर्ड होता है कि मुझे नहीं पता मुझे छोड़ के पूरी दुनिया को पता है एग्जाम्पल रोहन की गर्लफ्रेंड रूपा के बीच फेस में चॉकलेट लग गया था उसको नहीं पता है क्योंकि उसके सामने मिरर नहीं है बट बाकी सबको पता है जो उसको देख रहे हैं तो ये हो जाएगा खुद को नहीं पता है बट बाकी सबको पता है और लास्ट आपका हो जाएगा कि किसी को भी नहीं पता है मुझे भी नहीं पता है सामने वाले को भी नहीं पता बट मैं बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं उसको बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं बता रही हूँ बट मुझे खुद को नहीं पता और सामने वाले को भी नहीं पता एग्जाम्पल सपना ड्रीम ड्रीम हमें अच्छे से याद नहीं होता है तो मैं बता रही हूं ड्रीम बट मुझे भी धूंधला धूंला याद आ रहा है तो पूरा ड्रीम मुझे भी नहीं पता है और सामने वाले को तो कैसे ही पता होगा क्योंकि वो मेरा ड्रीम है तो ये हो गया आपका अन क्वाड्रेंट इसे हम बोलते हैं अनोन क्वाड्रेंट इसे हम बोलते हैं अननोन क्वाड्रेंट जल्दी से बता दो चारों क्वाड्रेंट समझ में आया कि नहीं और याद भी करना है ना साथ में समझ में आ गया समझने के बाद याद करना है देखो बिना समझे याद करोगे तो वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा नहीं नहीं रट्टाफिकेशन नहीं करना है बिना समझे बस रटना नहीं है समझना है पहले फिर समझ करके याद करना है तो आई होप आपको एरेना क्वाड्रेंट ओपन क्वाड्रेंट क्या होता है फिर फेसेड और हिडन क्वाड्रेंट क्या होता है फिर ब्लाइंड स्पॉट क्वाड्रेंट और अननोन क्वाड्रेंट चारों क्वाड्रेंट अच्छे से समझ में आ गए हैं मैम विंडो का नेम जौहरी क्यों है बता रही हूँ वेरी गुड क्वेश्चन मैं मोदी सर को मैसेज करके बोलता हूं इतना मारूंगी ना घर में घुस के तुम्हारे मैम ऐसे समझाओगी तो किसको समझ नहीं आएगा दैट्स स्वीट अंकित मेरी आदत है मैं ऐसे ही पूरा डीप में जाके डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाती हूँ भले एक टॉपिक में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे बट मेरा इंटेंशन ही होता है कि जो भी सुन रहा है उसको पूरा ए टू जेड समझ में आना चाहिए जीरो से इवन लॉ लॉ भी मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ सभी लोगों को सडनली क्लास होने की बहुत बहुत बधाई सक्सेसफुली क्लास यस 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 मैं बहुत गंदा हंसती हूँ आपको टॉलरेट करना पड़ेगा मेरी हंसी अब ठीक है ये हो गया आपका जौहरी विंडो अब रूही का एक क्वेश्चन है कि मैडम इसे जोहरी क्यों बोलते हैं क्यों जौहरी क्यों जौरी कहाँ से आया जौरी जौहरी हो जौहरी जौहरी आया दो लोगों से ये जो कंसेप्ट है ना ये कंसेप्ट किस भाई साहब ने लाया ये कंसेप्ट लाया जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंग इंगेम भाई साहब ने बहुत ही अतरंगी नाम है इनके फिरंगी लोग हैं इंडिया के लोग नहीं है फिरंगी लोग हैं ये लोग दो लोग हैं एक जोसेफ लुफ्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगहम बहुत ही अजीब सा नाम है जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगहम ये दो लोगों ने मिलकर के ये जौहरी विंडो का कंसेप्ट लाया ये चार क्वाड्रेंट का कंसेप्ट लाया इसीलिए इन दोनों को नाम का मिक्स करके हमने जौहरी बना दिया जोसेफ हैरी जोसेफ हैरी जोसेफ का जो हैरी जो हैरी जोहरी जो हैरी जोहरी जो, जो, <laughs> समझ में आया क्या समझ <laughs> तो में आया क्या जल्दी से बता दो जोसेफ लुफ्ट और हैरी लिंगमैन ये दोनों ने मिलकर के इस कंसेप्ट को लाया है तो इन दोनों के नाम के बेसिस पे दोनों के नाम को मिक्स करके हमने इसका नाम रख दिया जौहरी विंडो और विंडो क्यों क्योंकि चार है ना चार साइड्स हैं इसके चार चार फेस हैं इसके चार विंडो हैं इसके इसीलिए जौहरी विंडो चार क्वाड्रेंट है ना इसके इसीलिए जौरी विंडो फिरंगी लोग ही ऐसे विंडो बनाते हैं यस मैम प्लीज डे डेली आप ऐसे ही पढ़ाना आज बहुत मजा आया क्लास में प्लीज मैम कभी भी एक्सप्लेनेशन मेथड चेंज मत करना डोंट वरी आज आप रोहन नहीं बोलेगा ऐसा क्योंकि रोहन की लग गई ना रोहन का एग्जांपल लिया अपन ने किसी दिन ओमकार आपका एग्जांपल लूंगी ना तब आपको मजा आएगा इनके नाम याद करना जरूरी है क्या आ, जरूरी तो नहीं है बट आप अगर जोहरी याद कर लोगे देखो आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एम सी क्यू है आपको नाम लिखना नहीं है ना बट आपको जोहरी से ध्यान में आ जाएगा कि जो नाम का बंदा और हैरी नाम का बंदा ने ये कंसेप्ट दिया है तो मेरे हिसाब से अगर आपको जोसेफ हैरी भी देख लोगे ना तो अगर एमसी क्यू में चार नाम आपको ऑप्शन में पूछेंगे कि जौहरी विंडो का कंसेप्ट किसने दिया था चार नाम दे दिया तो मेरे हिसाब से जोहरी से आपको याद आ जाएगा जोसेफ और हैरी तो आप चूज कर सकते हो चारों में से पूरा स्पेलिंग वगैरह रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आएगा आपको खुद से तो लिखना नहीं है चार ऑप्शन रहेगा तो जोसेफ हैरी इजी है इतना ध्यान में रख लो तो आपको ध्यान में आ जाएगा चार अगर चार नाम बोले चार ऑथर्स के तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जोसेफ हैरी भाई साहब ने ये जौहरी विंडो का कंसेप्ट दिया है समझ में आया यस समझ में आया मैम इग्नोर कर रहे हो नहीं 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 मैं अपने किसी बच्चे को इग्नोर नहीं करती भाई क्या बोल रहे हो हिमांशी आप क्या मैसेज है आपका मैंने क्या मिस कर दिया हम इग्नोर नहीं करते मैम आप सच में में एग्जीक्यूटिव चिल्लाते हो हाँ मैं एग्जीक्यूटिव में बहुत आज ही मैंने बहुत डांट है अपने एग्जीक्यूटिव के बच्चों का आज मैंने बहुत डांटा है एग्जीक्यूटिव की मैं हिंदी क्लासेस नहीं लेती हूँ एग्जीक्यूटिव की मैं सिर्फ इंग्लिश क्लासेस लेती हूँ इजिली समझ जाते हैं मैम जैसे आप समझाते हैं यस क्लियर हो गया मैम अब टर्मिनोलॉजी अभी रुको जरा सबर करो सबर करो यस yes. अब देखो इस जो हमने समझा है उसको एक बार बुक से रीड लेंगे जितना मैंने हाईलाइट किया उतना हाईलाइट कर कर लेना मैं अज्यूम रही कि क्लास के साथ साथ आप ग्रीन और येलो अपने साथ रखते हो और जितना जितना मैंने हाईलाइट किया है वो मेरे साथ साथ आप हाईलाइट करते जाते हो बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना मेरे साथ साथ आपको अपनी बुक में भी हाईलाइट करते जाना है चलते जाना है तो हमें भी चिल्लाओगे फिर तो <laughs> नहीं 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 एग्जी यूनिक में एग्जीक्यूटिव मैं नहीं पढ़ाती हूँ <laughs> फिर इग्नोर यस मैम बुक भूख ही नहीं है मैम यस मैम आपका फेवरेट कलर येलो हाईलाइटर हाँ मुझे येलो बड़ा पसंद है इसलिए मैं सबसे ज्यादा येलो हाईलाइटर यूज करती हूँ देखो हर जगह येलो हाईलाइटर है माई फेवरेट कलर अब मत बोलना मैडम येलो येलो डटी फैलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जितना मैंने हाईलाइट किया हाईलाइट लो समझा मैंने दिया एक बार बुक से रीड ले लेते हैं जोहरी विंडो जो है कहाँ से आया जोहरी विंडो का कंसेप्ट लाया जोसेफ़ लुफ्ट और हैरी इंगमैन भाई साहब ने और ये एक विंडो है जो ह्यूमन इंटरेक्शन को डिफाइन करता है जब भी ह्यूमन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो चार तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं ओपन क्वाड्रेंट हिडन क्वाड्रेंट ब्लाइंड स्पॉट और अननोन क्वाड्रेंट तो उसमें फोर विंडो बनता है ओपन हिडन ब्लाइंड और अननोन और इसमें अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले एक होता है आपका एरेना क्वाड्रेंट एरेना यानी ओपन एरेना यानी खुद को भी पता है दूसरों को भी पता है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है एग्जांपल आई नो माय नेम सो डू यू डो मैं आपको अपना नाम बता रही हूँ मेरा नाम इशिका अग्रवाल है तो आप बोलोगे मैम हमें पता है आपका नाम इशिका अग्रवाल है तो ये ऐसी बात हो गई कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है तो ये आपका आ जाएगा ओपन क्वाड्रेंट में ओपन क्वाड्रेंट में ठीक है उसके बाद उसके बाद फिसेट क्वाड्रेंट फिसेट क्वाड्रेंट यानी फिसेट क्वाड्रेंट यानी खुद को पता है दूसरों को नहीं पता है मेरी लव स्टोरी शिका मैम की लव स्टोरी अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट टोल्ड यू विच वन इज माई फेवरेट आइसक्रीम मेरी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है मैंने आपको नहीं बताया है तो ये हो गया आपका फिसेट क्वाड्रेंट कि मुझे पता है बट आपको सबको नहीं पता है कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है और फेसेड क्वाड्रेंट को हम हिडन क्वाड्रेंट भी बोलते हैं समझ में आया हाँ मैडम समझ में आ गया थर्ड होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट थर्ड होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल वी कुड बी ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड आई माइट हैव सम फूड ऑन फेस रोहन वाला एग्जाम्पल रोहन और वो उसकी गर्लफ्रेंड बैठ के रेस्टोरेंट में खा रहे थे उसकी गर्लफ्रेंड के फेस में खाना लग गया या चॉकलेट लग गई बट उसको नहीं पता है दूसरों को पता है तो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट में आ जाएगा और लास्ट है आपका लास्ट है आपका हिडन स्पॉट हिडन स्पॉट क्या हो जाता है आपका कलेक्टिव इग्नोरेंस कलेक्टिव इग्नोरेंस मतलब ना मुझे पता है ना आपको पता है फॉर एग्जाम्पल आई मे डिसोज ड्रीम दैट आई हैड ड्रीम माने सपना एंड एज वी बोथ हैव अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस एंड न्यू अपियरेंस में इमर्ज नोन टू नीदर ऑफ अर्थ बिफोर द कॉन्वर्जेशन टू प्लेस अचानक से आ, मैं रूही से बात कर रही थी रूही से बात करते करते अचानक से मुझे क्लिक किया अरे यार मैंने तो सपने में ये देखा था जो मुझे भी नहीं पता था रूही को भी नहीं पता था अब मैं अचानक से उसको बता रही हूँ यार रूही मैंने सपने में ये देखा था मैंने सपने में ये देखा था अचानक से मुझे याद आया पहले नहीं आता कई बार ऐसा होता है ना कि हमें सपना याद नहीं रहता है बट कुछ इंसिडेंट होता है तो अचानक से सपना याद आ जाता है तो अब यहां मैं अचानक से मुझे मेरा सपना याद आया मैं रूही को बता रही हूँ तो ये हो जाएगा अननोन क्वाड्रेंट कि मुझे भी नहीं पता था मेरा सपना क्या है और रूही को भी नहीं पता था तो ये हो जाएगा तुम्हारा अननोन क्वार्रेन ये होगा आपके चार क्वाड्रेंट जितना मैंने हाईलाइट किया बस उतना पढ़ लो मोर देन इनफ है समझ में आना चाहिए एमसीक्यू बन जाएगा पक्का मेरा वादा है मेरा वादा है एमसीक्यू बन जाएगा जितना मैंने हाईलाइट किया उतना हाईलाइट कर लो आंचल पूछ रहा है मैम आपकी पीडीएफ प्रिंट कर लूं आ, प्रिंट करने में क्यों पैसा वेस्ट करोगे ये बुक तो आपके पास ऑलरेडी है ना हाईलाइट कर लो क्लास के साथ-साथ और अगर आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है आ, एकदम बोरिंग लग रहा है तो प्रिंट करवा लो बाकी आ, ये मटेरियल सेम आपके पास ये अपडेटेड मटेरियल है यही वाली मटेरियल आपके पास होगी आप क्लास के साथ साथ या तो खुद ही से हाईलाइटिंग कर लो उतना भी नहीं हो रहा है तो प्रिंट निकलवा लो अगर आपको उतना पैसा आप प्रिंटिंग में डाल सकते हो तो मतलब जबरदस्ती मेरे को ऐसा लग रहा है वाई टू वेस्ट मनी इन प्रिंटिंग ना जब आप खुद से हाईलाइट कर सकते हो क्लास के साथ साथ तो खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो मटेरियल तो ये आईसी स्टडी मटेरियल तो आपके पास होगा ही और अगर बहुत सारा बैकलॉग हो गया है अभी तक तो कुछ भी हाईलाइट वगैरह नहीं किया है नहीं हो पाएगा तो इन एक्सट्रीम केस पैसे पैसे की नहीं पड़ी सौ दो सौ रुपए जाना है जाए तो करवा लो प्रिंट मैम मेरे पास बुक नहीं है तो प्रिंट करवा लो हाईलाइटेड पीडीएफ मैंने ग्रुप में भिजवा दिया है अमर बोला नहीं आया है मेरे हिसाब से सा आ गया ग्रुप में हाईलाइटेड पीडीएफ नहीं है आपके पास स्टडी मटेरियल तो प्रिंट करवा लो मैम सिर्फ गाइड है गाइड मतलब आई सी की स्टडी मटेरियल नहीं है आप लोगों के पास ये जिस मटेरियल से मैं पढ़ा रही हूँ ये मटेरियल नहीं है आप लोगों के पास कंफर्म करो तो चैट बॉक्स में ये जिस मटेरियल से मैं पढ़ा रही हूँ ये मटेरियल नहीं है आप लोगों के पास आईसीएसआई से बुक नहीं आई आईसी तो कैसे पढ़ते हो आप लोग अभी तक कैसे पढ़ रहे थे आईसीएसआई से बुक नहीं आई आप लोगों को रजिस्टर कर लिया आईसीएसआई के साथ अब मुझे ना लग रहा है एक ज़ूम मीटिंग करना पड़ेगा आप लोगों के साथ जिसमें आप लोग मेरे से बात कर पाओ प्रिंट निकाली है मैम इसकी ओके नहीं मैडम नहीं मैडम है पूरा हाइलाइट्स है मैडम मेरे पास ओमकार के पास नहीं है शिवांश के पास है आंचल बोल रहा है एमसीक्यू वाली आई है ऑनलाइन पीडीएफ से कर रहा है ऑनलाइन मत करो यार एक बात बताओ कितना ही दिन ऑनलाइन पढ़ोगे आंख भी खराब होगी तो देखो देखो जो बच्चे आईसीएसआई के साथ रजिस्टर रजिस्टर किए हैं जब आप ICSI के साथ रजिस्टर कर रहे होंगे तब आपको ऑप्शन आया होगा बुक खरीदने का स्टडी मटेरियल का तो आपने अगर उस ऑप्शन को टिक किया होगा तो आईसीएसआई आपको स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे भेज देगा रजिस्ट्रेशन के तीस दिन के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और बुक के लिए पे भी किया आईसीएसआई को अभी तक नहीं आई है तो उनको ईमेल करो फिर भी नहीं मिलती है तो मेरे को एक बार मैसेज करके बताना आए कुछ जुगाड़ करेंगे आपकी बुक के लिए और अगर आपने आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है अभी तक या फिर आपने आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है बट बुक के लिए ऑप्ट नहीं किया था तो आप इस बुक का प्रिंट आउट निकलवा लो ये अमेंडेड है आपके अटेम्प्ट के लिए ये जो कम्युनिकेशन का पीडीएफ है ये मैंने ग्रुप में भेज दिया है इसका प्रिंट आउट निकलवा लो इस कम्युनिकेशन की आई से स्टडी मेडियल हाईलाइटेड है और मेरे को जहाँ टिप्पणी लिखनी थी अपनी वो सब मैंने लिखा भी हुआ है जैसे देखो यहाँ यहाँ बीच बीच में मैंने कुछ कुछ लिखा भी हुआ है बीच बीच में मैंने कुछ कुछ लिखा भी हुआ है और बीच बीच में कुछ कुछ मेरे पेजेज नोट्स भी हैं बीच बीच में कुछ कुछ मैंने अपने नोट्स भी चार्ट्स वगैरह डाले हैं इसमें तो आप या तो इसका प्रिंट आउट ले लो अगर आपके पास आईसीएसआई की स्टडी मटेरियल नहीं है या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर मटेरियल के लिए ऑप्ट नहीं किया है तो इसका प्रिंट निकलवा लो आज के आज मुझे नेक्स्ट क्लास से सबके पास स्टडी मटेरियल चाहिए मुझे तो ये लग रहा था कि आप लोग सबके पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है रजिस्टर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं आप इसका आउट निकलवा लो रजिस्टर करते टाइम बुक मत ऑप्ट करना तो आज के आज इसी का प्रिंट निकाल लो इसका जो हाइलाइटेड पीडीएफ है इसका प्रिंट निकाल लो और कम्युनिकेशन के साथ वो मत करना क्योंकि कम्युनिकेशन आपका फिफ्टी मार्क्स का है और थर्टी मार्क्स का प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स तो फिफ्टी मार्क्स का कम्युनिकेशन है तो इसके साथ लापरवाही नहीं चलेगी एट्टी मार्क्स का है आपके टू हंड्रेड मार्क्स के पूरे सी एस सी टी में एट्टी मार्क्स का कम्युनिकेशन है तो इसके साथ लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी तो बिल्कुल से जिन लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो प्रिंट आउट निकाल लेंगे आई होप मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को समझा दिया और आपको समझ में आ गया है, है मैम प्रिंट निकली हुई संजना बोल रही है प्रिंट निकली हुई है मैम जूम मीटिंग करो ना कर लेते हैं एक जूम मीटिंग मैम मैं अभी सीनियर की से कर रहा हूँ जय हाँ ठीक है सीनियर की बुक से कर लो कोई दिक्कत नहीं है बुक तो सेम ही है चेंज नहीं हुई है जैन अटेम्प्ट की और ये अटेम्प्ट की बुक सेम है कम्युनिकेशन की पंद्रह सो या वन थाउजेंड एक्स्ट्रा देना पड़ता है बुक के लिए वन एक्स्ट्रा देना पड़ता है कि फिफ्टीन आई एम नॉट श्योर ठीक है ठीक है तो अब आ, एक एक छोटी सी बात बतानी है आपको आज की क्लास खत्म करने से पहले ख़ैर बहुत टाइम हो गया एक छोटी सी बात जाने से पहले दो मिनट सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी सी बात है मेरी कि आप बताओ मेरे को आप बताओ एक क्वेश्चन है आपसे इन चारों में से कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी इन चारों में से कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी मेरे यार मेरे यार मेरे रसगुल्लो जल्दी से बता दो इन चारों में से कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी जल्दी से बता दो इन चारों में से कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी सबसे अच्छी होगी जिसमें सबको तो सारी बातें समझ में आएंगी सबको तो सब बातें पता होंगी सब बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी चारों में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होगी एवरी वन इज सइंग ओपन एरेना ओपन एरेना वेरी गुड वेरी गुड आप लोग हैं मेरे शेर तो यहां पर एक बात लिखी हुई है बात ऐसी है कि आप कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना तो ट्राई करो कि ओपन क्वाड्रेंट में कम्युनिकेट करो यानी वो बातें सबको पता होनी चाहिए मुझे भी पता है मैं क्या बोल रही हूँ आपको भी पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी ना अब एक बात बताओ मैं बोल रही हूँ बोल रही हूँ बोल रही हूँ बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको पता ही नहीं है जौहरी विंडो क्या होता है तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा ना तो वो उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए भले कोई बात है जो हिडन क्वाड्रेंट में है उसको भी आपको ओपन में लेके आनी चाहिए कोई बात है जो अननोन क्वाड्रेंट में है उसको भी आपको ओपन क्वाड्रेंट में लेके आनी चाहिए कोई बात है जो ब्लाइंड क्वाड्रेंट में है उसको भी आपको ओपन क्वाड्रेंट में लेके आनी चाहिए बात को समझो आप जितनी भी तरह की कम्युनिकेशन करते हो भले वो ब्लाइंड स्पॉट में हो भले वो हिडन स्पॉट में हो भले वो अननोन स्पॉट में हो आपको ट्राई करना है कि कम्युनिकेशन करते करते आप उसको ओपन में ले आओ ओपन में ले आओ एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि मेरी लव स्टोरी आपको नहीं पता है तो आपको नहीं समझ में आएगा मैडम क्या बोल रही है अगर मैं अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा तो इससे बेहतर होगा अगर मैं आपको अपनी लव स्टोरी बता दूं हाँ, हाँ, ऐसा कुछ है नहीं बट एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको अपनी लव स्टोरी बता दूं तो वो क्या हो जाएगा फिर आपको भी पता चल जाएगा मुझे भी पता चल जाएगा तो वो ना फिसे क्वाड्रेंट से कन्वर्ट होके हो जाएगा ओपन क्वाड्रेंट समझ रहे हो अब जैसे यहाँ पन ब्लाइंड स्पॉट में है रूपा को नहीं पता है उसके चेहरे पर चॉकलेट लगी है अगर रोहन उसको खुल के बता देगा कि बहन तेरे यहाँ पर चॉकलेट लगी है उसको पोछ ले तो क्लियरली बता देगा तो फिर दोनों को पता चल जाएगा फिर तो रूपा को भी पता चल जाएगा और रोहन को तो पता ही है तो वो ब्लाइंड स्पॉट से निकल करके कहा आ जाएगा एरना क्वाड्रेंट में समझ रहे हो अब जैसे ड्रीम ड्रीम ना मुझे भी याद नहीं आ रहा है मैं रूही को बता रही हूँ उसको भी नहीं पता है तो वो अननोन क्वाड्रेंट में है और अचानक से मुझे ड्रीम याद आ गया अचानक से मुझे पूरा सपना एकदम क्लियर क्लियर याद आ गया तो मैं उसको मुझे भी याद आ गया फिर मैं रूही को भी बता दूंगी तो डोंट यू थिंक वो अननोन से ओपन क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो बात को समझो एक छोटी सी बात है मेरी प्लीज एक ये टॉपिक कंप्लीट करके जाएंगे छोटी सी बात है मेरी कि आप किसी भी कोई भी तरह का कम्युनिकेशन करो ट्राई करो कि आप ओपन क्वाड्रेंट को बड़ा करते जाओ मतलब अगर वो हिडन क्वाड्रेंट में है ब्लाइंड क्वाड्रेंट में अननोन क्वाड्रेंट में तो उसको भी आपको ना ट्राई करना है ओपन क्वाड्रेंट में लेके आने का यानी आपको ओपन क्वाड्रेंट को बड़ा करना है बड़ा करना है बड़ा करना है बड़ा करना है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन आप ट्राई करो ओपन क्वाड्रेंट में करने की तो उससे जो है ना कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है और आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्लोज कर पाते हो सामने वाले को और इसीलिए ये जो प्रोसेस है ऑफ एनलार्जिंग द ओपन क्वाड्रेंट जब आप बाकी सारे क्वाड्रेंट को भी कन्वर्ट करके ओपन में ले आते हो और आप ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करते हो तो आप अपनी जैसे मैं मेरी लव स्टोरी आपको नहीं पता है मेरा मेरा फेवरेट फेवरेट कलर आपको आपको नहीं पता है, मेरा आपको नहीं पता पता है है आइसक्रीम फ्लेवर बट जैसे जैसे मैं आपसे ओपन अप होंगी मैं आपको अपनी लव स्टोरी बताऊंगी मैं आपको अपनी फेवरेट आइसक्रीम बताऊंगी मैं आपको अपना फेवरेट डिश बताऊँगी अपनी फेवरेट कलर बताऊंगी तो अब वो ना मैं फिसेट क्वाड्रेंट से ओपन क्वाड्रेंट में जाते जाऊंगी तो डोंट यू थिंक आई एम सेल्फ डिस्कलोजिंग Self disclosure होगा मैं मेरे बारे में आप लोग जानेंगे तो ये जो प्रोसेस होता है ना इसे सेल्फ डिस्कलोजर बो, बोला जाता है और ये पास एग्जाम क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है ये पास एग्जाम क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है कि द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग एनलार्जिंग मतलब बड़ा करना द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द ओपन क्वाड्रेंट जब आप ओपन क्वाड्रेंट को बड़ा करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें बताते हो जो खुद को भी पता है दूसरों को भी पता है तो उसे सेल्फ डिस्कलोजर बोलते हैं और जो सेल्फ डिस्क्लोजर वाला जो कम्युनिकेशन होता है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि दोनों पार्टी इंटरेस्ट लेके कम्युनिकेट करते हैं अब जैसे मान के चलो मैंने आ, मैंने अंजलि को अपना फेवरेट कलर बताया अंजलि मेरा फेवरेट कलर येलो है फिर अंजलि ने अंजलि ने बोला हाँ क्या मैम मेरा फेवरेट कलर पिंक है फॉर एग्जाम्पल अंजलि ने अंजलि अंजलि ने बोला मेरा फेवरेट कलर पिंक है अब मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ उसकी बातों में वो इंटरेस्ट ले रही है मेरी बातों में तो हम दोनों एक दूसरे को के सामने अपने आप को डिस्क्लोज करेंगे तो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगा और वो ओपन कम्युनिकेशन होगा वो ओपन क्वाड्रेंट में होगा तो इसीलिए द प्रोसेस ऑफ एन लार्जिंग द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ओपन क्वाड्रेंट इज नोन एज सेल्फ डिस्कलोजर द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ओपन क्वाड्रेंट इज नोन एज सेल्फ डिस्कलोजर ये बहुत बार एमसीक्यू में आ चुका है पास्ट एग्जाम में कि द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ओपन क्वाड्रेंट इज नोन एज डैश ऑप्शन 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 तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा सेल्फ डिस्क्लोजर सेल्फ डिस्क्लोजर जिसमें दो लोग आपस में इंटरेस्ट लेके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ओपन अप होते हैं एक दूसरे के साथ समझ में आया सबको समझ में आए सबको द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ओपन क्वाड्रेंट इज नोन एज डिस्क्लोजर इसको याद कर लो ये वाली लाइन को समझ करके बिना समझे मत रटना पहले समझो फिर याद करो क्योंकि ये बहुत बार एमसीक्यू में आए हैं द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ओपन क्वाड्रेंट इज नोन एज डैश द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग ओपन क्वाड्रेंट इज नोन एज डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर और एक लास्ट पॉइंट है जोहरी विंडो में कितने एडजेक्टिव होते हैं ये फिफ्टी फाइव एडजेक्टिव होते हैं ये पूरे फिफ्टी फाइव एडजेक्टिव आपको याद नहीं करने हैं ऑलमोस्ट सारे ही एडजेक्टिव आ गए हैं बस आपको इतना याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जोहरी विंडो में कितने एडजेक्टिव होते हैं फाइव फाइव फिफ्टी फाइव 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 फिफ्टी फाइव 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 फिफ्टी फाइव याद कर लो फाइव फाइव फिफ्टी फाइव 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 फिफ्टी फाइव बस आपको ये याद करना है ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन जोहरी विंडो ऑप्शन 33 44 55 66 आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा 5 5 55 बस अब ये 55 एडजेक्टिव कौन कौन से ये आपको याद नहीं करना इट्स नॉट पॉसिबल इट्स नॉट पॉसिबल कि इतने सारे फिफ्टी एडजेक्टिव याद कर लो भाई हम इंसान हैं मशीन थोड़ी है माइक्रोस थोड़ी हैं तो जोहरी विंडो में 55 एडजेक्टिव होते हैं अब वो 55 एडजेक्टिव कौन कौन से हैं ये याद करना पॉसिबल नहीं है पर्सनली मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है तो आप इतना याद कर लो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ़ एडजेक्टिव आर देर इन जोहरी विंडो जोहरी विंडो में 55 एडजेक्टिव होते हैं बस इतना याद कर लो बस इतना याद कर लो और इसी के साथ हमारा जोहरी विंडो वाला टॉपिक होता है कंप्लीट इसी के साथ हमारा जोहरी विंडो का टॉपिक होता है कंप्लीट जल्दी से बता दो बहुत अच्छी तरीके से पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया तो सीसी भेज दो चैटबॉक्स में सीसी मैम सीसी मैम सीसी मैम जल्दी से सीसी भेज दो सीसी 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 अगर आज की क्लास अच्छे से समझ में आई तो जल्दी से चैटबॉक्स में सीसी भेज दो एवरीवन सीसी 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 आज क्लास हैंग नहीं हुई तो कितना अच्छा लगा ना मतलब मेरे को तो बड़ा मज़ा आया पर्सनली आज पढ़ाने में क्योंकि क्लास हैंग नहीं हुई क्लास हैंग होती है ना तो मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है मेरा पर मेरे को फिर मज़ा नहीं आता बीच बीच में लैग करने लग जाते तो आज बड़ा मज़ा आया क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ बिल्कुल लैग नहीं हुआ और हैंग नहीं हुआ तो बड़ा मज़ा आया आज आप लोगों को भी मज़ा आया होगा मेरे हिसाब से यस मैम क्रिस्टल क्लियर हो गया पूरी तरह यस मैम थैंक यू फॉर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑलवेज देयर अच्छा रोहन की स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाल देना वरना आपकी शादी नहीं होगी मैम अच्छा फील हुआ हमें भी अलग ही मज़ा आया बहुत बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ मैम मजा आया मैम आज पढ़ने में यस मैम क्लियर हुआ यस मैम यस मैम यस मैम ग्रेट 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 चलो ठीक है तो इसी के साथ हम लोग आज आज बहुत लेट हो गई है तो इसीलिए अपन ना चैप्टर एट नहीं करते वरना पर्सनली डेली मैं आधा आधा पेज चैप्टर एट का करती हूँ बट आज ऑलरेडी सिक्स टेन हो गया है तो आज रहन देते हैं कल कर लेंगे अपन कल संडे है क्या नहीं नहीं कल कल फ्राइडे है हाँ ठीक है कल कर लेंगे अपन आ, कल कर लेंगे अपन मैम आज अच्छा लगा दिमाग में भी अच्छे से सेव हो गया हाँ वही हैंग नहीं होता है ना कंप्यूटर तो सब अच्छे से हो जाता है लैग का नाम लेते ही लैग होने लगा हाँ तो लैग का नाम नहीं लेते क्लास जल्दी से ख़त्म करते हैं कल हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ कल हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनल करेंगे पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं ये वाला टॉपिक आपको एक्सटर्नल करेंगे और फ्लो करेंगे डाउनवर्ड अपवर्ड अगर टाइम बचेगा ना तो ये हॉरीजोंटल डाइग्नल वाला फ्लो भी कर लेंगे ठीक है तो इतना हम लोग कल की क्लास में करेंगे इतना हम लोग यहाँ तक हम लोग कल की क्लास में करेंगे और फिर चैप्टर एट करेंगे आज टाइम नहीं बचा इसलिए आज चैप्टर देते हैं कल कर लेंगे कंटिन्यू ठीक है तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो यहाँ पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और आपको हेल्प हो रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सी में अच्छे से पढ़ना कल की क्लास में रिवाइज करके आना कल की क्लास में रिवाइज uh, करके आना ठीक है बिना रिवाइज़ किए मत आना कल की क्लास में रिवाइज करके आना बाकी का कल करेंगे तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं आई एल सी यू टूमोरो टिल देन कीप लर्निंग बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव टेक केयर बाय बाय बाय